अगर आप बिहार की ट्रेनों में सफर करते हैं तो अब सावधान हो जाइए, क्योंकि अब आपको हवा खाने का चक्कर हवालात की हवा भी खिला सकता है। इतना ही नहीं, जेब से पैसे भी ढीले हो सकते हैं। खबर को हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये बताना जरूरी है कि बिहार के ट्रेनों में झपट्टा मार गैंग ने भी लोगों को परेशान कर रखा है, जिसे लेकर बड़ी बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। इसके अलावा अगर आपको ट्रेनों में गेट पर बैठकर सफर करने में बहुत मजा आता है तो आपके लिए ये मजा अब सजा बनने वाली है। अक्सर ये देखा गया है कि ट्रेनों में सीट को छोड़ या फिर वेटिंग वाले गेट पर खड़े होकर या बैठकर सफर करने लगते हैं। ऐसे में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो रेलवे के लिए बार बार किरकिरी का कारण बन जाता है। लेकिन इसे लेकर बड़ी बैठक में क्या निर्देश जारी किया गया है, अगर वो जानेंगे तो आप ही कहेंगे कि आगे से ऐसा करना भारी पड़ सकता है। तो चलिए अब खबर को विस्तार से जानते हैं और समझते हैं कि बिहार की ट्रेनों में इन दिनों क्या क्या हो रहा है और इनको रोकने के लिए क्या कुछ फैसला लिया गया है। दरअसल रेलवे स्टेशन के आउटर सिग्नल पर मोबाइल, झपट्टा मारी, अटैची लिफ्टिंग, पॉकेट मारी की घटनाएं होती रहती है। इस पर शिकंजा कसने को लेकर आरपीएफ और जीआरपी ने जंक्शन के वीआईपी कक्ष में पैसेंजर सुरक्षा पर बैठक आयोजित किया। इस दौरान जंक्शन से ट्रेन खुलने के बाद और आउटर सिग्नल तक मोबाइल, झपट्टा मारी, अटैची लिफ्टिंग, पॉकेट मारी की घटनाओं को रोकने पर मंथन किया गया है। बैठक में रेलवे के प्रावधान, रेल एक्ट और रेल पुलिस के नियम पर भी चर्चा की गई। निर्णय ये हुआ कि स्टेशन पर खासकर पैसेंजर या फिर इंटरसिटी एक्सप्रेस के समय पर यात्रियों को ट्रेन की बोगी के गेट पर बैठने या फिर खड़ा नहीं होने को लेकर माइकिंग कर जागरूक किया जाएगा। जागरूकता अभियान चलाने के साथ ही टीटीई को विशेष निर्देश दिए जाने पर भी सहमति बनी कि वो लोग भी कोच के अंदर गेट पर खड़े यात्रियों को पहले हिदायत दें या सलाह दें और नहीं मानने पर उन्हें रेल एक्ट के तहत जुर्माना करें। इसके अलावा स्टेशन परिसर में दिखने वाले संदिग्धों की सख्ती से निगरानी करने की बात भी बैठक में कही गई। रेल पदाधिकारियों ने भी इसमें हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। अब इसके बाद झपटमारी की वारदात में कमी आने को लेकर भी मंथन हुआ। इससे पहले थोड़ा अगर पीछे चले तो बीते सप्ताह से पहले मुजफ्फरपुर रामदयालु नगर रेलखंड के माड़ीपुर बीबीगंज के बीच मोबाइल झपटामारी की घटनाएं बढ़ गई थी। इस पर रोकथाम को लेकर रेल एसपी डॉक्टर कुमार आशीष ने विशेष पेट्रोलिंग शुरू की थी। इससे हद तक झपट्टामारी गिरोह पर शिकंजा कसा जा चुका है। मोबाइल झपटमारी की वारदात में कमी आई है। रेल एसपी डॉक्टर कुमार आशीष ने बताया है कि झपटमारी गिरोह पर शिकंजा कसने के लिए रेल पुलिस लगातार काम कर रही है। माड़ीपुर से रामदयालु नगर और माड़ीपुर से ब्रह्मपुर तक विशेष गश्ती हो रही है। इसके अलावा रेल पदाधिकारियों से भी समन्वय स्थापित कर रणनीति के तहत कार्रवाई की जा रही है और इसके अलावा माइकिंग कर जागरूक अभियान भी चलाने की योजना तैयार की गई है, ताकि लोगों को परेशानी न हो और लोग इस बात से जागरूक हो सके कि उन्हें कैसे झपटमार गिरोह से बचना है और कैसे ट्रेन में गेट पर बैठकर यात्रा नहीं करना है। यदि फिर भी वैसे यात्री जो ट्रेन में गेट पर बैठकर सफर करते हैं या फिर गेट पर हवा लेने के लिए बार बार आ जाते हैं, तो ऐसे यात्रियों को पहले तो टीटीई हिदायत देंगे और नहीं मानने पर उन्हें जुर्माना किया जाएगा। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।